भाई अच्छा हुआ तुम दोनों आ गए, मैं तुम लोगों को बहुत याद कर रही थी। और पता है मैंने तुम्हारी पसंद की आज बिरयानी भी पकाई है। और आपको पता है मैं आपके हाथ की पकी हुई बिरयानी बहुत मिस कर रही थी। अरे अभी शादी को दिन ही कितने हुए, 3 हफ्ते, और तुम इतना मिस कर रही थी। हाँ याद आया, तुम्हारे सर के दर्द का क्या हाल है बेटा? नहीं मम्मी अब तो सर दर्द नहीं है मेरे बिल्कुल भी। अरे अहमद बेटा इन माँ बेटी को तो छोड़ो, ये बताओ कि तुम्हारा बिजनेस कैसा चल रहा है? अंकल अभी नया नया बिजनेस है, कुछ मसले मसाइल तो हैं, दुआ कीजिएगा। अल्लाह खैर करेगा बेटा। अरे शुमैला ये क्या कर रहे हो? देखो तो सही मरियम और अहमद आए हुए। तुम्हारा सुबह से इंतजार कर रही थी पता है तुम्हें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और तुम्हें पता है मैंने तुम्हारे लिए खीर बनाई है। अच्छा अरे भाई मगर इसको तो हटाओ ना, देखो वो कैसे खांस रहे हैं अहमद। कोई बात नहीं इनको अपना काम करने दे। तुम्हें पता है वो बाबा है ना, बाबा ने कहा था इसकी धुनी पूरे घर में देने से बुरी बलाएं घर से चली जाती हैं, और नए जोड़े का तो वैसे भी जल्दी नजर लग जाती है ना, ये मैंने इसीलिए धुनी दी है कि सारी बलाएं भाग जाएं। आपको कितनी बार समझाया ये सब फजूल की बातें, बगैर मेहनत के कोई वसीफा काम नहीं करता। बाबा कभी गलत नहीं कहते। बेटा तुम बैठो मैं अभी खीर लेके आती हूँ। गारत करे इस कैंडी क्रश वालों को, 2 हफ्ते से मेरा लेवल फंसा हुआ है। अरे बेटा जरा ये इधर आ ले, देख लेवल पास नहीं हो रहा है यार। अरे अम्मा मुझे माफ रखो। ले आ गया खूबसूरत आदमी तेरा। क्या बात है भाई, बाहर से बंदा आता है थोड़ा हंसता है मुस्कुराता है, तुम्हारी तरह मनु शक्ल लेकर नहीं आ जाता। ये ऑफिस की परेशानी है ना, ऑफिस में रखा करो समझे। और हाँ तुम्हें अम्मा नजर नहीं आई बैठी हुई कि तुम उन्हें 2 मिनट का सलाम कर लेते। अरे तू भी किसके मुंह लग रही है, कितने अच्छे अच्छे रिश्ते आए तेरे, तूने सबको ठुकरा दिया, तुझे लंगूर पसंद आ गया, इसे क्या तमीज नीच खानदान का। अम्मा कुछ भी है हूँ तो आपका दिमाग बंदर हो गया इंसान। अरे अल्लाह के वास्ते हमें माफ कर दे, बड़ा खूबसूरत दामाद है मेरा। अरे तू मुझे बंदर ही लगता है, इंसान कम लगता है। मैं से आ रहा हूं, थोड़ी वाला के गटर से आ रहा हूं, वहां पर बहुत सारे हिंदुओं को देखा है, वो मुसलमानों के घरों में दुकानों पर हमले कर रहे हैं, बड़े बड़े बलवाई आए छुरे पता नहीं क्या क्या उनके हाथ में। तुम सब लोग जल्दी सामान बांधो और निकलो यहां से, हमें आधे घंटे के अंदर तक पाकिस्तान की गाड़ी पकड़नी है स्टेशन से। अरे अल्लाह के वास्ते निकलो। जी 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 दादा बा मैं सामान बांधने ही आई हूँ, बस सामान बांधते हैं फिर निकलते हैं। ये कौन है, लाला राम प्रसाद का बेटा? क्या कर रहा है ये, इस घर का दामाद है? अरे दामाद कैसे हो सकता है, हमारी कोई बेटी नहीं है। ये पोती का शोहरूम है। पोती कौन सी पोती? अरे ये मरियम, मरियम तो ये कौन है? ये हमारी हमारी बेटी, ये मरियम है, ये हमारी बेटी है। समझ बात रही हो तू? आधे घंटे के अंदर अंदर पाकिस्तान की गाड़ी पकड़नी है तो बहुत बुरा हो जाएगा। तनख्वाह कहाँ है तुम्हारी, हाँ निकालो तनख्वाह। बेटा मरियम और अहमद आए हैं, उनसे मिल लो जाकर। जानता हूँ मैं, लेकिन मुझे नहीं मिलना उनसे। अम्मी आप अच्छी तरीके से जानती हैं कि मैं मरियम से कितनी मोहब्बत करता था, लेकिन नहीं तो आई अम्मी ने मेरी मोहब्बत को नजरअंदाज करते हुए उसकी शादी अहमद से कर दी। हद होती है यार। जानती हूँ मैं तुझे कितनी तकलीफ है, मैं मेरी तो दिल की ख्वाहिश थी ये कि मरियम को तेरे साथ देखूं। मैंने उसके लिए जेवर भी बना के रखा हुआ था, मगर इन लोगों ने तेरी बेरोजगारी को जवाब बना लिया। बस अम्मी बस, ये सब ना बहाने, हम फाके नहीं कर रहे घर पे, क्या मैं मरियम को 2 वक्त की रोटी नहीं खिला सकता? ये सब ना बेकार है। समझता क्यों नहीं है, बड़ी ऊंची उड़ान है तेरी ताई की, मगर तू फिकर ना कर, बहुत जल्द सारे गम खत्म हो जाएंगे तेरे, और ये जो दुश्मन कुव्वतें ना सब नेस्त तो नाबूद हो जाएंगी। पीर बाबा ने मुझसे कहा था वो चिल्ला कर रहे हैं, बस तू 2-4 दिन और इंतजार कर ले। अम्मी आपके पीर बाबा ना कुछ नहीं कर सकते। खबरदार तूने पीर बाबा के लिए एक लफ्ज ज़बान से निकाला तो ठीक है, यहाँ इतना इंतजार किया है तो और से देखते हैं आपके पीर बाबा को भी। चची जान, चची जान। आ रही हूँ मरियम, आ रही हूँ। ये 60,000 रुपए क्यों है? हाँ तुमने तो कहा था इस महीने तुम्हें इंक्रीमेंट मिलने वाला है, कहाँ है वो? इंक्रीमेंट नहीं मिला, वो 2 महीने का इंतजार का। कौन इंतजार करेगा 2 महीने, और इन पैसों से घर वर नहीं चलता है समझे। जानता हूँ मैं, तभी तो मैंने
पार्ट टाइम जॉब शुरू कर ली है। लो अम्मा, पार्ट टाइम जॉब करके ही कौन सा झंडे गाड़ने वाला है? हाँ, पार्ट टाइम जॉब से क्या मिल जाएगा तुम्हें? सिर्फ 20,000 रुपए एक्स्ट्रा। 20 और 60 कितने हुए? 80। 80 में क्या होगा? अरे 80 तो मेरे मरे हुए बाप के फिक्स डिपॉजिट से आते हैं, और तुम तो जिंदा इंसान हो मेरे सामने, मनुष्य इंसान। आपके पास भी तो आते हैं 80,000। मैंने कभी बोला है आपको कि मुझे दो आप? अरे औरत की कमाई पे नजर रखने वालों को पता है हमारे खानदान में क्या कहते हैं? ये कहते हैं, ये तू वही लग रहा है मुझे ईमान से निखट्टू कहीं का। खा लेगी बाद में, रख दो ना यहाँ पे, खा लेगी। क्यों भाई, क्या मेरा इस पर हक नहीं है? मैं इसे नहीं खिला सकती। अरे नहीं शुमैला, ऐसी कोई बात नहीं, यहाँ रख दो ना, थोड़ी देर बाद खा लेगी, अभी तो आई है ना बच्ची। बच्ची मैं खा लेती हूँ। जरूर खाना, ठीक है। और हाँ, तहमीना की सालगिरह है, उसको मुझे ब्रांडेड गिफ्ट देना है। तुम्हें तो पता है ना कि मैं कैसी हाई सोसाइटी में जाती हूँ, समझ आ गई? उसके सूट के लिए मुझे 10,000 रुपए चाहिए। तूने शीशे का गिलास तोड़ दिया, पूरा सेट बर्बाद कर दिया इसने। मेरा जहेज का गिलास, फ्रांस से आया हुआ गिलास तोड़ दिया। चाट के साफ करिए, 2 मिनट में साफ कर। और हाँ, इन पैसों से तो मैं सूट नहीं लूंगी, 10,000 रुपए तो तुझे देना पड़ेंगे, और तू देगा मुझे 10,000 रुपए? मैं कहाँ से दूंगा, सब पैसे मैंने तुम्हें दे दिए। ये जो फोन है ना, इसको बेच कर तुम मुझे 10,000 रुपए दे दो। क्यों? ये तो ऑफिस के सेट है। जब ही तो कह रही हूँ, अगर ये फोन चाहिए तुम ऑफिस जाओ, वहाँ से कर्ज लो, या फिर सड़क पर खड़े होकर भीख मांगो, मुझे इससे क्या? मुझे तो सूट के पैसे चाहिए चाहिए चाहिए। दादा अब्बू ने अहमद को लालू प्रसाद बना दिया। वैसे मैं तो ये डर रही थी कि कहीं मारी ना डाले उन्हें। अरे नहीं बेटा, दरअसल 1947 में तेरे दादा के पूरे खानदान को बलवाइयों ने मार दिया, बस उसका इन्होंने बड़ा गहरा सदमा ले लिया। अम्मी अब इनकी उम्र का तकाजा भी है, ऊपर से बीमारी उनको अल्जाइमर, तो ये सब तो होना ही है। खैर छोड़ो, माशाल्लाह मैं तो बहुत खुश हूँ कि तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है। भाई ऐसे जोड़े तो अल्लाह ताला आसमानों पे बनाते हैं। जी अम्मी, अहमद बहुत अच्छे हैं। शुक्र करो तुम्हारी शादी अहमद के साथ हो गई, वरना तुम्हारे चचा और अब्बा ने तो उस निकम्बे निकट्टू मारूफ के साथ शादी करने की ठानी हुई थी। वो तो मैं अड़ गई, वरना पता नहीं क्या होता। खैर जाने दें, आप भी इतनी गिनती बातें लेकर बैठ गई। मरियम जी, आप बेटा ये इतनी सी खीर क्यों छोड़ दी? हाँ पूरी क्यों नहीं खाई तुमने? अरे चच्ची जान, खीर तो मैंने भी खाई है और अहमद को भी खिलाई, थोड़ी सी तो बची है, लाए दे दीजिए। अरे खा लेगी ना, रहने दो, खा लेगी, लाओ। क्या मेरी बेटी नहीं है ये? क्या इस पर हक जिताने का मुझे कोई इख्तियार नहीं है? अरे चच्ची जान, मुझे लाए आप, मुझे दे। शाबाश, देखा मेरी बेटी को। जरूर खाना बेटा। जी जी। वाह बेटा, वो मुझे भूख बहुत लग रही है, मैंने खाना ही नहीं खाया आज। अरे अब्बा, भाभी ने आपको दोपहर का खाना दिया था और आपने खाया भी था। नहीं नहीं, मैंने कोई खाना नहीं खाया, तुमने कब दिया मुझे खाना? मैंने खाना नहीं खाया। और तुम ये क्या लल्लो बच्चो कर रही हो? ये इस अभी तो आधे घंटे पहले इसकी तुम बहुत बुराई कर रही थी, और मेरे खाने के लिए उसकी तारीफ कर रही हो उसकी। आप कैसी बातें कर रहे हैं, मैं भला ऐसा क्यों करने लगी? तुम करती हो मालूम है, ये आगरे के हैं, इनके लिए क्या कहते हैं कि आगरे वाले आगरे, इनसे बच के भाग रहे। अरे अरे अब्बा, आगरे वालों ने ऐसा क्या कर दिया? अपनी बेटी दे दी आपको इस घर में इसलिए? हाँ तो देखो ना, इस घर में आके तू फितना फसाद फैला रही है, और मैं खाना मांग रहा हूँ तो कह रही खाना खा लिया मैंने। अरे दादा अब्बा, इन सबको जाने दें आप, ये देखें ये खीर खाएं आप, बहुत मजे की है। नहीं नहीं, ये खीर नहीं मैं नहीं खाऊंगा, ये दिल्ली की जितनी भी गाय ना इनका दूध नहीं, मेरे लिए आना है भाई। वाह वाह, ये पाकिस्तान से भैंस मंगवाई थी दूध के लिए, खा ले। हाँ हाँ दादा अब्बा, ये दिल्ली की नहीं है, ये स्पेशली आपके लिए कराची से मंगवाया है दूध, उससे बनाइए खीर। ये सही कह रही है। सारी खा ले, सारी मैं खा लूं भाई, बस अब मैं खा लूंगा सारा। अरे बेटा एक बात तो बताओ, तुमने ये क्यों कहा कि तुमने खीर खाई है? हाँ तो मम्मी मैंने खाई है ना खीर। ओ, तुमने खीर क्यों खाई, क्या पता उसने उसमें तावीज मिलाया हो। मम्मी आप किस तरह की बातें करती हैं, चची जान कितना प्यार करती है मुझसे, और याद नहीं है मेरी शादी पर अपना सारा जेवर दे दिया था मुझे। जेवर दे दिया था, असली जेवर तो दिया नहीं, जो वो हिंदुस्तान से लेके आई थी, ये लालू खेत से मंजूस का जेवर बनवाया और तुझे डाल दिया, तू बड़ा कहटे लगा रही है। आप पे भी ना दादा का असर हो गया। सही हो जाएगा।
हाँ हाँ, पंडित नेहरू की साहब का बीवी है ना ये, सब जानती है। तुम्हारी वजह से, तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी अजाब हो गई है। तुमसे शादी करके मैं पछतावा रही हूं। तो अगर आप प्रॉपर्टी बेचते हैं तो आपके वालिद का क्या बनेगा, वो किसके पास रहेंगे? मैडम मैं रख लूंगा उनको अपने पास। सक्सेशन एक्ट 1925 के सेक्शन 263 के तहत अगर विरासती सर्टिफिकेट झूठे कवायफ या गलत मालूमात या वर्षा में किसी का नाम हजफ करके हासिल किया गया हो तो विरासती सर्टिफिकेट मंसूख किया जा सकता है। इस कानून के सेक्शन 264 के तहत डिस्ट्रिक्ट जज को विरासती सर्टिफिकेट जारी करने या मंसूख करने के इख्तियारात हासिल होते हैं। समझ में नहीं आता तुम पर तरस खाऊं या गुस्सा करूं? अजन अब बड़े हैं, अब तरस भी खा सकते हैं और गुस्सा भी, दोनों कबूल है मुझे। यही तो तुम्हारा मसला है कि तुम्हारी इस नादानी की वजह से तुम्हारी मुंहफट बीवी पूरा पूरा फायदा उठा रही है और आगे से तुमने अपनी सास को लाके घर में बिठा रखा। अजन मैं जानता हूँ वो अकेली है, जुबैदा के अलावा उसकी कोई और औलाद भी तो नहीं है। सब कुछ तो तुम गवा बैठे हो और वो मकान उस औरत के नाम कर दिया। बहरहाल मैं आज तो पैसे दे रहा हूँ तुम्हें, इस तरह मसला हल नहीं होगा, समझ में आई? ये लो। भाईजान अगर 5,000 और मिल जाते तो? यार ये भी दे रहा हूं मैं तुम्हें, वरना ये भी नहीं देता, रख लो, और नहीं है मेरे पास। हर वक्त पैसे लेने चले आते हो। क्या हुआ? बोलो। अम्मू, मैं बेरी बेरी के पेड़ के नीचे बैठी हुई थी, मैं मुझे ऐसा लगा कि किसने मुझे पुकारा, और जब मैंने और देखा ना तो मुझे मेरा सामने बहुत। अरे उठो उठो, ऊपर बैठो। तुम उस पेड़ के नीचे क्यों बैठी थी? तुम्हें पता है ना उसमें जिन है। अब तुम बैठो, मैं पानी लेके आता हूँ, बल्कि मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ। नहीं अहमद, नहीं, मम्मी को बुलाए प्लीज, मम्मी को कॉल करें, उनसे कहेंगे। मैं बुलाता हूँ। मेरा दम घुट रहा है। फोन किसका आ गया सर? हेलो, हाय अहमद बेटा, बोलो। क्या मरियम की तबीयत खराब है? डॉक्टर को दिखाया? नहीं नहीं, हम अभी आ रहे हैं, हम पहुंचते हैं अभी, तुम परेशान मत हो। ठीक है। अरे आखिर मरियम, क्या हुआ तुम्हें? मरियम मेरी बच्ची। हाँ मरियम, हम आ गए। बहुत डर लग रहा है मम्मी। नहीं नहीं डरो नहीं, सब ठीक हो जाएगा। ये क्या हुआ? तुम मत डरो मम्मी, मेरे सर दर्द हो रहा है। अरे नहीं मरियम, कुछ नहीं होगा, डॉक्टर आ रहे हैं। मरियम मैडम आ गए, हम आ गए बेटा, घबराओ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। कहीं जाएगा नहीं, हम कहीं नहीं जा रहे। तुम एम्बुलेंस को बुलाओ, एम्बुलेंस को बुलाओ, एम्बुलेंस। फिक्र नहीं करो मरियम, सब सही हो जाएगा। आ गए मौसूफ। ये आपने सूट मंगवाया था ना, वो मैं लेके आ गया हूँ। देखा अम्मा, मैं ना कहती थी कि हमारे इतना बेवकूफ भी नहीं, ले आए ना सूट हमारी पसंद का। अच्छा अच्छा बस रहने दे, सब जानती हूँ, पता नहीं कैसा सूट उठा के ले आया। इसकी ड्रेसिंग देखी तूने? इसको अपने कपड़े पहनने की तमीज नहीं, तेरा क्या लेकर आएगा ये।
अम्मा बस छोड़ो तुम भी अब ये बातें, हर वक्त जलील करना अच्छी बात नहीं होती। भाईजान आप पागल तो नहीं हो गए? ये मकान बेचने की बात कर रहे हैं आप? आपको पता है ना ये अम्मा की निशानी है। अरे उस नेक बख्त की निशानी कैसे हो गई भाई? क्या वो अपने जहेज में लेकर आई थी? अरे दिल्ली में हमारी एक नहीं कई हवेलियां थी, उसके क्लेम में मिला ये मकान हमें, समझे? हद कर दी भाई। अरे बस कर दें अब्बा जी, सब जानती हूँ मैं, कान पक गए सुन सुन करके आपकी बातें। अरे भाई वहाँ पे आपका एक छोटा सा क्वार्टर हुआ करता था जिसका आपने यहाँ पे झूठा क्लेम करवाया था। अरे तुम क्या जानती हो, तुम्हें क्या पता? सर सैयद अहमद खान ने अपनी एक किताब लिखी थी आसारुल सनादीद, उसमें हमारी तमाम हवेलियों का जिक्र बड़े अच्छे अंदाज में किया भाई। हाँ तुम्हें क्या पता, तुम जौनपुरियों के औकात तो हमें पता है। जितने भी जौनपुरी पाकिस्तान में आए सब ने फरोड के क्लेम दायर की, जब जाके उन्हें मकान मिले इस तरह भीख में। अब्बा इनसे बात करना बिल्कुल बेकार है, ये हमारे खानदान की 1000 साल पुरानी हिस्ट्री जानती है। हाँ हाँ पंडित नेहरू की सबका बीवी है ना ये, सब जानती है। अब कुछ देर तो खामोश रहे। देखो आफाक मैं फैसला कर चुका हूँ, हम इस घर को बेचेंगे और अलग हो जाएंगे, बस मैं चलता हूँ चेंज करके आता हूँ। क्यों क्यों तैयार हो रहे हो? हाँ मैंने तुम्हारे लिए भिंडी बना दी है, जाओ जाके खाना खाओ और घर में बैठो आराम से टीवी शीवी देखो। वो मैंने सोचा कि मैं भी आप लोगों के साथ चलता हूँ और वहाँ जाके नए लोगों से मिल लूंगा। अहे ठहर, क्यों भाई तू क्या हमारी वहाँ बेइज्जती करवाना चाहता है? तुझे पता भी है कि मेरे अप्पा मरहूम क्या कहा करते थे कि इंसान गरीब हो मगर शक्ल से गरीब ना हो। तू तो शक्ल से भी गरीब है और वैसे भी गरीब है। अच्छा अम्मा बस चुप करो, बहुत देर हो रही है हमको, जा जाकर कैब वाले को फोन कर। आपको पता है ना कि मेरा कारोबार कितना मुस्तहकम है अभी है? अप्पा का और आपका हिस्सा निकालने के बाद जो रकम मुझे मिलेगी ना उसमें मैं एक छोटा सा फ्लैट भी नहीं खरीद सकता। ये हमारा मसला नहीं है भाई, अब मैं तो एक मिनट भी इस घर में नहीं रह सकती, यहाँ हर तरफ मुझे अपनी बच्ची का चेहरा नजर आता है। अरे भाभी कैसी बातें करती हैं आप, क्या मरियम हमारी बेटी नहीं थी? क्या उसके मरने का हमें दुख नहीं है? और आप लोग यहाँ से जाएंगे तो रहेंगे कहाँ, ये सोचा आपने? अरे मारूफ हमारा बेटा है, कल को उसकी शादी होगी तो इस घर में कलकारियां गूंजेंगी। कलकारियां? मुझे तो इस दरो दीवार से हर वक्त अपनी बच्ची की चीखें सुनाई देती है। चीखें? कैसी चीखें? कौन चीख रहा है? हाँ मैं फजर की नमाज पढ़ के गली कासिम जान से गुजर रहा था, वहाँ बहुत बलवाई खड़े थे, छुरे और भाले और तलवारें लिए, वो ही होंगे, ये वही होंगे। मैं देखता हूँ, तुम लोग बाहर मत निकलना, हिम्मत से काम लेना, मैं आता हूँ आता हूँ देखता हूँ। अरे बड़े मियाँ निकल जाए, 70 साल पुरानी बात हो गई है, 1947 में ही जी रही है अभी तक, दिमाग खराब करके रखा हुआ है। भाभी शुमाइला बिल्कुल ठीक कह रही है, आप लोग कहाँ जा रहे हैं, यही रहना हमारे साथ। हाँ हाँ यही रहे ताकि तुम हमें भी मार दो। भाभी क्या हो गया आपको, ये किस तरह के इल्जाम लगा रही है आप हम पर? सच हमेशा कड़वा होता है, ये सच है, तुम्हारी बीवी ने मेरी बच्ची को मारा है, ये डायन है, वरना मेरी बच्ची हंसती खेलती इतनी सेहतमंद कैसे चली गई? इसने खीर में ताबीज घोल कर खिलाया था मेरी बच्ची को। अरे बस करें भाभी, खुदा का खौफ करें, वरना 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 क्या कर लोगी, क्या कर लोगी तुम, मेरे पुतले जलाओगी, सफाई करवाओगी मुझ पे? मेरी बच्ची को तो मार दिया, मेरी बद्दुआ है कि तुम्हारा बेटा भी ऐसे ही मौत मरे। भाभी ये क्या कह रही हैं आप? आफाक फजूल बहस मत करो, बेहतर यही है कि तुम हमारी बात मान लो, वरना मुझे कानूनी रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा। ये देखें ये मंत्र पढ़ रही है, ये डायन है, मैं बोलती हूँ ना आपको ये हमें मार देगी, माने आप मेरी बात? ये डायन है, डायन है ये। तुम अपने आप को संभालो, संभालो अपने आप, और चलो मेरे साथ चलो। आप बना दिया इस घर में रहना, समझ में नहीं आता क्या करूं मैं, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे इनकी बच्ची नहीं हमारी भी बच्ची थी वो। आय हाय हाय हाय, लगता है इसने डिनर सेट की प्लेटें तोड़ दी। क्या करूं अल्लाह मैं, इसको तो मैं अभी बताती हूँ, अभी मैं इसको बताती हूँ। अरे तू बाज आ जा अपनी हरकतों से, मनहूस मारे, तेरे हाथों में ताकत नहीं, मुझे लगता है तेरे हाथ लुंज हो गए। क्या क्या चाहता है तू है? सुबेदा मैं नया दिला दूँ, मैं नया दूंगा, नया दिला दूंगा। हाँ तुम्हारी इतनी औकात है, तुम्हें पता है उस डिनर सेट की कीमत क्या थी? 1.5 लाख रुपए। तुम्हारी औकात से कहीं ज्यादा तुम्हारे बाप भी नहीं ला सकता वो। हाँ
आज तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, आज तो तुम्हें हर चीज का हिसाब देना होगा। रुको, बहुत हो गया, बस अब मेरी बर्दाश्त से सबर कर तू। देखो जरा क्या चाह रहे हो तुम। अरे लगा, तुम्हारी वजह से, तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी अजाब हो गई है। तुमसे शादी करके मैं पछतावा रही हूं। तो जैसे आदमी से तो बेहतर था मैं किसी को शादी कर लेती और उससे शादी नहीं करती। तोड़ दे इसको, भाग जा। अरे मैं तो कहती हूँ जुबैदा, इसको मुर्गा बना। चल मुर्गा बन, बन मुर्गा, मुर्गा बन। अगर तू मुर्गा नहीं बनाना और इसी तरह तू नहीं खड़ा रहा तो देख, ये मेरी बेटी जुबैदा का घर है, तुझे घर से निकलवा दूंगी। ईमान से देख, मैं बहुत बुरी औरत हूं। खाना देना ना पीना देना, इसकी सजा ही है भनुस इंसान की। मैडम हमारा एक खानदानी मकान है जो मेरी वालदा के नाम है। वालदा की तो डेथ हो चुकी है, वालिद हमारे हयात है। मैडम हम ये चाहते हैं कि उस मकान को बेचें और अपना अपना हिस्सा ले लें। और जो प्रॉपर्टी के बाकी वरसा हैं, वो रजामंद हैं इस प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ करने के लिए? हमारे वालिद साहब को तो अपने हवास में ही नहीं है। बाकी छोटा भाई है, वो राजी नहीं है प्रॉपर्टी बेचने के लिए। तो अगर आप प्रॉपर्टी बेचते हैं तो आपके वालिद का क्या बनेगा, वो किसके पास रहेंगे? मैडम मैं रख लूंगा उनको अपने पास। अच्छा, देखिए इस किस्म की प्रॉपर्टी जिसमें बहुत से वरसा हो और प्रॉपर्टी को बेचने का फैसला अगर बाहमी रजामंदी से ना किया जाए तो अदालत में ऐसे केसेस का फैसला आने में बहुत लंबा वक्त दरकार होता है, सालों लग जाते हैं। और क्योंकि ये एक मकान है तो ये बाइफर्केट भी नहीं हो सकता। अगर सिर्फ जमीन होती तो उसकी डिविजनिंग पॉसिबल थी। बहरहाल अदालत में जाने से पहले कुछ डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड होगी। आप मुझे बताइए कि कोई और भी इस प्रॉपर्टी के हिस्सेदार हैं? नहीं मैडम, सिर्फ हम दो भाई हैं। आपकी नॉलेज के लिए मैं आपको ये बताती चलूं कि क्योंकि आपकी वालिदा का ये घर था तो इसमें 25% हिस्सा तो आपके वालिद का होगा और बाकी 75% हिस्सा जो है वो आप दोनों भाइयों के दरमियान तकसीम होगा। इस प्रॉपर्टी का सबसे पहले तो हमें सक्सेशन सर्टिफिकेट निकलवाना पड़ेगा। वैसे अगर आप बुरा ना माने तो एक ज़ाती सा सवाल है, आप ये प्रॉपर्टी क्यों बेचना चाहते हैं? कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है आपकी? नहीं मैडम, मैं बताती हूँ आपको वकील साहब, वो घर दरअसल है ही मनुष्य। शुमाहिला आप नहीं जानती उसको, वो पक्की जादूगरनी है। उसने मेरी बेटी को सिफिली इल्म के जरिए मरवा दिया है, उसकी जान ले ली है वकील साहिबा। सिफिली इल्म? देखिए जादू तावीज आजकल के दौर में तो सिर्फ तोहम परस्ती है। मुझे बहुत अफसोस है आपकी बच्ची की वफात हो गई, लेकिन क्या आपने उसका पोस्टमार्टम करवाया था? मैं तो चाहती थी लेकिन इनके वालिद और ये दोनों इन लोगों ने ऐसा नहीं करने दिया। पोस्टमार्टम से क्या जादू टोने का पता चल जाएगा मैडम? नहीं देखें, जादू टोना कोई चीज नहीं होती है, लेकिन अगर किसी ने उस बच्ची को जहर देकर मारा हो तो कम से कम पोस्टमार्टम से इस बात का तायुन तो किया जा सकता है। हाँ वकील साहिबा, मैं चाहती हूँ कि उसकी तफ्तीश होनी चाहिए, पता चले कि मेरी बच्ची को कैसे मारा गया है। बहरहाल आपको मालूम है कि आपकी देवरानी किस पीर फकीर के पास जाती है? हाँ मुझे लेके गई थी एक दफा शुमैला, मैं जानती हूँ। शहरयार जरा मालूम तो करना ये कौन सा पीर फकीर है। देखिए बच्ची का अभी भी पोस्टमार्टम हो सकता है, अगर आप चाहें तो बच्ची की कब्र कुशाई की जा सकती है। अदालत में एक दरख्वास्त देनी पड़ेगी परमिशन लेने के लिए। देखिए एक दफ़ा पोस्टमार्टम हो जाए, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाए तो आपके दिल में जितने भी शकूक व शुभात हैं वो तो ख़त्म हो सकते हैं ना। क्या मतलब मकान कैसे उसके नाम हो जाएगा अगर आप तलाक देंगे? मेरे निकाह में ये शर्त थी। भाभी जो है ना आपके दिमाग पे बिल्कुल अच्छी तरह गालिब हो गई है। अगर वो यहाँ आया ना तो मैं उसकी नाक रगड़वा दूंगी इस घर के अंदर। ये जादू टूने जैसे अजीब इंकशाफात ना हो, कुछ डिफरेंट हो। मैडम अहमद ने अपनी शादी से कुछ अर्सा पहले एक नया कारोबार शुरू किया था। एक तहकीक बयान करती है कि गुज़िश्ता साल पाकिस्तान में 1698 औरतें कत्ल कर दी गईं, 2832 औरतों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया और 732 औरतों के अगवा की वारदातें हुईं, 1175 औरतों को नामालूम वजूहात की बिना पर कत्ल कर दिया गया जबकि 520 औरतों की खुदकुशी के वाकियात हुए। कितनी मन्नतें मांगी, कितने चढ़ावे चढ़ाए, आखिर हुआ क्या? अब मुझसे मेरी छत भी छीनी जा रही है। आपका इल्म कब मेरी किस्मत जगाएगा? तू नहीं जानती मुझे पैसे
दुगने करने का अमल भी आता है। वो क्या बाबा? तो सुन, जैसा जैसा बाबा कहता है वैसा वैसा करती जा, मकान बेच दे और उसके पैसे मेरे पास ले आ। वो जो तेरी जेठानी है ना, उसने तुझ पर बंदिश करवा रखी है, अफ्रीका का काला जादू कराया, काला जादू तुझ पर और तेरे बेटे पर। ये क्या कह रहे हैं बाबा, मुझ पर, मेरे बेटे पर? मेरा अमल उस पर किए गए तमाम असरात को जाहिल कर देगा, लेकिन अगर तूने ऐसा नहीं किया तो उस चुड़ैल का किया हुआ अमल तेरे बेटे की जान भी ले लेगा। नहीं नहीं बाबा। मैडम, मैं जानता हूँ आपको मेरी कहानी नाकाबिले यकीन लग रही होगी, लेकिन ये सच है कि मैं अपनी बीवी का रोज़ाना तशद्दुद का शिकार बनता हूँ। मुझे रोज़ाना जलील करती है वो। अब मैं थक चुका हूँ, इसीलिए मैं घरेलू तशद्दुद का मुकदमा करना चाहता हूँ। मुझे बहुत अफसोस हुआ सुन के। ये तो आपकी शराफत है कि आप अभी तक बर्दाश्त कर रहे हैं सारी सूरत हाल को, और आपने आज तक कभी उस पर हाथ नहीं उठाया। और इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे शौहर हो या बीवी, जिस पर भी तशद्दुद हो रहा है तशद्दुद करने वाले को सज़ा मिलनी चाहिए। इमाद साहब, अगर सूरत हाल इतनी गंभीर हो गई है तो आप अपनी बीवी को तलाक क्यों नहीं दे देते? थोड़ी सी बहादुरी का मुजाहरा करें। शहरयार, रिश्ता निभाना ही बहादुरी होती है, हाथ उठाना नहीं। किस किस्म की तरगीब दे रहे हैं आप उनको? मैडम, मैं उसे तलाक नहीं देना चाहता और दूंगा भी नहीं, क्योंकि मैं उसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। और ये पसंद की शादी हुई थी हमारी, लेकिन जो मेरी सास है, पत्थर का दिल है उसका। मेरी सास तो ये चाहती है कि मैं तलाक दे दूँ और मेरा मकान उसके नाम हो जाए। क्या मतलब, मकान कैसे उसके नाम हो जाएगा अगर आप तलाक देंगे? मेरे निकाह में ये शर्त थी कि अगर मैंने तलाक दे दी तो घर उसके नाम करना पड़ेगा मुझे। उन्होंने अपने सारे राइट्स बड़े सही तरीके से सेफगार्ड किए हैं। आपकी तरफ से कोई बुजुर्ग नहीं है जो आपकी बीवी को समझाएं और आपके घर के हालात बेहतर करें? वो मेरे घर वालों को किसी खातिर में नहीं लाते। अच्छा, मुझे एक बात जरा क्लियर कर दें, आप आगे के लिए क्या चाहते हैं? डोमेस्टिक वायलेंस का तो हम केस आपकी बीवी के खिलाफ दर्ज करवा देंगे, लेकिन उसके आगे का आपने क्या सोचा? आप कह रहे हैं कि आप तलाक भी नहीं देना चाहते, तो ये पुलिस तक बात पहुंचेगी, अदालत तक बात जाएगी, केस चलेगा, उसके बाद आप अपनी बीवी के साथ फिर भी रहना चाहेंगे और आपको लगता है वो फिर भी आपके साथ घर बसाएगी? मैडम, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ? प्लीज प्लीज आप मेरी मदद करें। ठीक है, अगर आपकी मदद करने के लिए, आपके घर के हालात बेहतर करने के लिए कोई भी ऐसा फ़र्द नहीं आपकी फैमिली से जो सामने आए और उसको थोड़ी अकल दे आपकी बीवी को, हम केस कर देते हैं डोमेस्टिक वायलेंस का। शायद कोई उसको भी थोड़ा डर लगे कि वो जो कर रही है वो गलत है, उसका तौर तरीका गलत है। लेकिन इसके साथ साथ मैं चाहूँगी कि एक मरतबा आपकी बीवी से मैं खुद भी मिलूँ, उसको समझाने की कोशिश करूँ। पता बताइएगा आप अपने घर का? हाँ अम्मा, तो तुम वकील के पास गए थे और तुम मुझे तलाक देना चाहते हो? अरे नहीं नहीं, मैं ये चाहता हूँ कि मेरा रिश्ता और मजबूत हो जाए। मैं तुम्हारा सहारा बनना चाहता हूँ। तुम क्या बनोगे मेरा सहारा? अम्मा ठीक कहती हैं, तुम एक कमजोर और बुजदिल इंसान हो जो हालात से राह फरार इख्तियार करने के लिए कुछ भी कर सकता है। मुझे सहारा देने के बजाय तुम खुद अपने लिए कोई सहारा तलाश करो, क्योंकि तुम अब मेरे लिए बिल्कुल बेमायने हो चुके हो। होल्ड करो एक मिनट। सलाम कर बाजी को। सलाम अलैकुम बाजी, कैसी हो, ठीक हो? बाजी बचाना मुझे, मैं आपके गांव की दूर की रिश्तेदार। बाजी आप तो कभी गांव आई नहीं हमसे मिलने, तो हमने सोचा क्यों ना हम ही आपसे शहर मिलने आ जाए। कब्र खुशाई होगी, यानी गड़े मुर्दे उखाड़े जाएंगे। अरे मुर्दा तो उखाड़ा गया था कैप्टन हडसन का, जब उसकी लाश को कब्र से उखाड़ कर और नीम के दरख्त पर लटकाया था तिलंगों ने, और लोगों ने संसार कर दिया था। तुम्हारे दादा ने तो वो पत्थर मारे थे कि दुनिया देख रही थी, तुम्हें तो पता है उठता देखो। अरे अब्बा अब्बा, आप हमारी अकल पे तो पत्थर न मारे ना, खुदा के वास्ते थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाए। भाई मुझे तो लगता है कि भाभी जो है ना, आपके दिमाग पे बिल्कुल अच्छी तरह गालिब हो गई है। पहले मुकदमा किया और अब मरियम बेटी की कब्र को शाही की बात कर रही है, और अब बंटवारे की बात कर रही है। बंटवारा?
अरे बंटवारा तो हिंदुस्तान का होकर रहेगा, इंशाल्लाह देख लेना तू। अरे अब्बा, हिंदुस्तान का बंटवारा तो कब का हो चुका है, अब इस घर के बंटवारे की बात हो रही है। इतना बड़ा महल ना मैंने सिर्फ टीवी ड्रामों में ही देखा है। तो जाहिर है तू टीवी ड्रामों में ही देखेगी, गांव देहातों में कहां इतने बड़े बड़े बंगले महलों की तरह। तुम लोग देखोगे तो दिल खुश हो जाएगा। खाला उधर घर तो दिखाओ अपना। है तो खुद जाके देख ले, इसको इसको भी साथ लेकर जा। और हाँ सुन, किसी बिजली की चीज को ना हाथ ना लगाइयो, वरना वही तय हो जाएगा, तू बता रही हूँ मैं तुझे। हाँ जा। ओ खाला पता है, मुझे पता है। जा, आ, से देखें। भाई तुम्हें क्यों बुरा लग रहा है? हमारी बेटी थी, हमारी मर्जी। और मुझे तो तुम्हारी बात सुन के ऐसा लग रहा है कि तुम्हें डर है कहीं तुम्हारा राज फाश ना हो जाए कब्र कुशाई कराने से। भाई अब अगर आपने मुझ पर इल्जाम लगाया ना तो मैं आपका गला दबा दूंगा। लो अब बड़े भाई का गला दबाएगा ये। आप चुप हो जाओ, आपको क्या जरूरत है इनका हमदर्द बनने की? क्यों खैरख्वाह बन रहे हो इनका इतना? हाँ, और वैसे भी इन्होंने हम पर तो मुकदमा कर दिया है बड़े। अरे अरे नांजार कहाँ बैठ रहा है, कहाँ बैठ रहा है? अंधे कहाँ बैठ रहा है तू? माँ बैठी है तेरी, मुमताज बेगम ये तरबियत है तुम्हारी, नन्ना मुन्ना बनकर तुम्हारी गोद में बैठ रहा है। अरे अब्बा, अम्मा को मरे हुए 30 साल हो चुके हैं, अब कहाँ से आ गए अम्मा? अरे अब्बा, अगर आपकी बकवास बंद हो गई हो तो हम कुछ बात कर लें। घर के और भी बहुत सारे मसले हैं। देखो भाभी, आप घर बेचना चाहती हैं? बेचें घर, मुझे कोई एतराज नहीं। अरे अगर घर बिक गया ना तो हमारा क्या होगा पता है तुम्हें? और हमारे हालात का तो तुम्हें पता है ना। चुप हो जाओ, घर बिक जाएगा और जो रकम आएगी ना वो बहुत जल्द दुगनी हो जाएगी। हेलो जी अनस भाई, ठीक है जी, मैं आपको बताता हूँ क्या हो रहा है वहाँ पे। तुम अपने कान से काम रखो और प्लीज आइंदा मुझे फोन मत करना, गुड बाय। और अम्मा, तुम ये किन दो नमूनों को मेरे घर पर ले आई हो? अरे बेटा, ये हमारे दूर परे के जानने वाले हैं, बहुत गरीब हैं। और तुझे तो वैसे भी पता है ना, मैं गरीबों को मुंह तो लगाती नहीं हूँ, मगर लड़का ना बहुत अच्छा है, जानदार है। अरे हमारी हिफाजत करेगा, यहीं रहेंगे। और इसकी बीवी, अरे इसके हाथ के तू खाने खा लेगी ना तो मजा आ जाएगा, इतने जबरदस्त खाने बनाती है। और तुम्हें क्या हो गया? इन दो नमूनों को मैं अपने सर पे सवार करूंगी, अपने घर में रखूंगी। पागल तो नहीं हो गई हो तुम? अरे पागल तो तू हो गई है, देखा नहीं तुझे कैसा खतरनाक इलाका है, या कैसी डकैतियाँ होती है यहाँ पर। और सबको पता है महल्ले में कि तेरा निकम्मा शौहर तो तुझे छोड़कर चला गया, अब हम औरतें ही हैं, कोई भी हमें आके मार के काट के डाल जाएगा। अम्मा, अम्मा कुछ दिनों के लिए गए हैं, जब उनका दिमाग ठिकाने आएगा तो वो आ जाएंगे। अगर वो यहाँ आया ना तो मैं उसकी नाक रगड़वा दूंगी इस घर के अंदर। और अगर अगर तू नर्म पड़ी ना तो देख वो शेर हो जाएगा। तेरे अब्बा की मैंने बहुत ज्यादतियां सही है, बहुत मारा है उन्होंने मुझे। मेरी अम्मा कहा करती थी कि गुरबा कुछ तंग रोजे अब्बा, अगर मैंने आज अपनी माँ की बात मानी होती ना तो मैं इतना ना पिटती। मैं भी यही चाहती हूँ कि मेरी बच्ची तुझ पे कोई जुल्म ना हो। अम्मा आप रो मत, जो आप कह रही हो मैं वही तो कर रही हूँ। चला तो गया है वो यहाँ से, और वैसे भी कोई तलाक तो हुई नहीं है, वो आ जाएंगे। और भाभी आपका तो कोई वारिस है नहीं, तो उस लिहाज से आपका हिस्सा कम होगा। क्योंकि मेरा बेटा है तो हमारा हिस्सा डबल होगा, क्यों? ठीक कहा ना मैंने? इस हिस्से के लिए तुमने मेरी बच्ची को मार डाला था। हाय मेरी बच्ची। देखो भाभी, मैंने अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं किया, और अगर तुमने मेरे बेटे की तरफ जरा सी भी मैली आंख से देखा ना, या उसके खिलाफ कुछ करने की कोशिश की, तो मैं तुम्हारे गला दबा दूंगी, समझी? भी याद आया, वो जो जेवर दिया था वो इसीलिए तुमने दिया था ना, ताकि मेरी बेटी के गले का वो फंदा बन जाए। मैं समझ नहीं सकी, अच्छी चाल चली है तुमने। अरे तुम तो जेवर दे के अच्छी भी बन गई, और उसी जेवर के जरिए मंत्र पढ़ के मेरी बच्ची को। ओ पागल औरत, तुम्हें पागल करने के लिए किसी सिपली की जरूरत नहीं है, तुम तो अपनी नफरत में खुद ही पागल हो गई हो। क्या अमृतसर से जो लाहौर गाड़ी आ रही थी उसे उसे बलवाइयों ने आग लगा दी, और कितने लोगों को काट दिया, सबको सबको काट दिया, सबको काट दिया, सबको काट दिया, और बलवाइयों ने मलूनों ने। अच्छा तुम तो चुप हो जाओ। अरे इस पागल के साथ साथ अपने अब्बा को भी पागल खाने में जमा करा दे। अरे अब्बा खुदा के वास्ते 1947 से बाहर आ जाए। क्या अपडेट्स हैं भे? मैडम आकिल के दामाद अहमद के मुतालिक चंद अजीब इंकशाफात हुए। आई होप ये जादू टूने जैसे अजीब इंकशाफात ना हो, कुछ डिफरेंट हो। बिल्कुल मैडम, अहमद ने अपनी शादी से कुछ अर्सा पहले एक नया कारोबार शुरू किया था,
और वो कारोबार मुसलसल घाटे में जा रहा है और नौबत यहाँ तक आ गई है कि उसको अपना घर गिरवी रखवाना पड़ गया, उस पर खासा कर्ज है। तो अहमद को तो शदीद पैसों की ज़रूरत होगी, इसका मतलब है। बिल्कुल, और एक और बात मालूम हुई है कि वो मारूफ से इन दिनों मुसलसल रबते में है। मरियम का कज़िन? ये मारूफ का जज्बा रकाबत इतना मंद कैसे पड़ गया? अहमद और मारूफ की किस तरह दोस्ती हो गई? मैडम ये तो बात पता नहीं, लेकिन एक और बात पता लगी है कि अहमद भी उसी आमिल के पास जाता रहा है जिससे शुमाइला तावीज़ बनवाती रही है। अच्छा, तो इस आमिल का तो बहुत अमल दखल है इस फैमिली में। मैंने आपसे कहा था इस आमिल के बारे में मालूम पता करके दें। मैडम उसकी अपडेट भी निकाली है। ये घर अभी आपके नाम नहीं है, ये घर सिर्फ तलाक की सूरत में आपके नाम होगा। दो घंटे से पहले नहीं आने वाली खाला, क्या करोगे बोलो? काल ने तो मार डालूंगा। मैं आज ही सुबह उस जाली पीर को पुलिस के जरिए अरेस्ट करवाया है मैंने। ये घर इन्हीं का है और ये मेरे शौहर हैं, ये कहीं नहीं जाने वाले। अगर कोई औरत शौहर के जिस्मानी या जहनी तशद्दुद का शिकार हो और उसकी ख्वाहिश के बावजूद शौहर तलाक ना दे तो डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिजेस एक्ट 1939 के तहत अदालत से खुला ले सकती है और अदालत शौहर की मर्जी के बगैर औरत को खुला की डिग्री जारी कर सकती है, लेकिन खुला लेने की सूरत में औरत को अपने माली हकूक से दस्तबरदार होना पड़ता है। इतनी मासूम तो नहीं बने कि आपको अंदाजा नहीं है आपने अपने शोहर के साथ क्या रवैया रखा था। मोहतरमा, आप पर मुकदमा बनता है घरेलू तशद्दुद करने। क्या घरेलू तशद्दुद? यानी डोमेस्टिक वायलेंस? क्या भोंडा मजाक है ये? क्या आपने कभी सुना है कि किसी मर्द ने किसी औरत पर डोमेस्टिक वायलेंस का मुकदमा किया हो? आपकी ये बातें सुनने के बाद मुझे उससे और भी ज्यादा नफरत होने लगी है। मोहतरमा ये मजाक नहीं, हकीकत है। जो कुछ वो इंसान यहाँ सहता रहा है आप और आपकी वालिदा के हाथों, वो डोमेस्टिक वायलेंस के जुमरे में ही आता है। और ये तो उस शख्स की शराफत है कि उसने आपके रवैये का जवाब आपके तरीके में नहीं दिया। अगर वो हाथ उठा लेता तो फिर उसे आप डोमेस्टिक वायलेंस कहती? हाँ, मैं देखती वो मुझ पर हाथ कैसे उठाता है। वो मुझ पर हाथ उठाता ना तो मैं उसका हाथ तोड़ के उसके हाथ में दे देती। अगर उसको मुझसे इतनी ही तकलीफ है या उसको मेरी ये बातें इतनी ही बुरी लगती है तो मुझे तलाक क्यों नहीं दे देता? मेरा ख्याल में आपकी तो सिर्फ इतनी सी ही ख्वाहिश है कि आपको तलाक हो जाए और ये घर आपके नाम हो जाए। देखिए, ये घर लेने के लिए मुझे तलाक की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जब मेरी शादी हुई थी ना उसमें पहली शर्त यही थी कि वो ये मकान मेरे नाम करेंगे और ये मकान मेरे ही नाम है, तो इसके लिए मुझे तलाक लेने की क्या जरूरत है? आप अपना वो निकाहनामा दोबारा निकलवाइए, उसकी तमाम शिकें जरा एक मरतबा फिर गौर से पढ़िए। ये घर अभी आपके नाम नहीं है, ये घर सिर्फ तलाक की सूरत में आपके नाम होगा। अभी तक इस घर का मालिक आपका शौहर है जिसे आपने घर से बेदखल किया है। क्यों अपना बसा बसाया घर खराब कर रही हैं? क्या मुझे ये बात आपको याद दिलाने की जरूरत है कि हम जिस मुल्क में रहते हैं वहाँ औरतों के साथ किस किस्म का सुलूक किया जाता है? कितने फीसद खवातीन रोजाना घरेलू तशद्दुद का शिकार होती हैं? आप तो खुशकिस्मत हैं, एक पढ़ा लिखा सुलझा हुआ सिविलाइज्ड इंसान है आपका शौहर। आपको मालूम है कि अगर वो चाहे तो इस सिचुएशन को किस तरह एक्सप्लॉइट कर सकता है? आपसे अलहदगी इख्तियार कर ले, आपको इस घर से बेदखल कर दे, दूसरी शादी करके भी एक औरत घर में ला सकता है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा मैडम कि आप यहाँ आई क्यों हैं? क्या समझाना चाह रही हैं आप मुझे? मोहतरमा, आपको दो बातें समझाने आई हूँ। एक तो अपना बसा बसाया घर खराब ना करें, लेकिन अगर आप फिर भी अपनी जिद पर अड़ी रही तो हमें मजबूरन घरेलू तशद्दुद का मुकदमा आपके खिलाफ करना पड़ेगा। और आपको मालूम है इसकी सजा आपको क्या मिल सकती है? कम से कम 6 महीने कैद। एक तो अपना बसा बसाया घर खराब ना करें, लेकिन अगर आप फिर भी अपनी जिद पर अड़ी रही तो हमें मजबूरन घरेलू तशद्दुद का मुकदमा आपके खिलाफ करना पड़ेगा। तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? हाँ, क्या क्या लेने आए हो? वही जो यहाँ लेने के लिए आया था। चल निकाल तिजोरी की चाबी। कौन सी तिजोरी? कहाँ है तिजोरी? मुझे पागल मत बोलो, खाला ने इसको सब बता दिया है। निकाल तिजोरी की चाबी। अम्मा, अम्मा कहाँ हो तुम? अम्मा, खाला घर पे नहीं है, उसको मैंने पहले बाहर भेज दिया। 2 घंटे से पहले नहीं आने वाली खाला, क्या करोगे बोलो? काल ने तो मार डालूंगा मैं।
सुभैदा, मैं डरती नहीं हूँ तुम लोगों से। सुभैदा, समझ आ गई? मेरा तुम लोग कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जमीन, तेरी इतनी हिम्मत? जमीन, रख, बताऊँ तेरे को। सुभैदा, सुभैदा, तुम ठीक तो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। अच्छा हुआ तुम आ गए। रशीदा साहिबा, ये आपकी बेटी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। इससे ये मालूम हुआ है कि आपकी बेटी को एक बहुत पुरानी बीमारी थी जिससे खून की शरियाने तंग होनी शुरू हो जाती हैं और जो भी आपकी बॉडी के मेजर ऑर्गन्स हैं वो कलेप्स कर सकते हैं। आपके गुर्दे काम करना बंद कर सकते हैं, आपका दिल जो है वो काम करना बंद कर सकता है। इस बीमारी को ताका यासू बोलते हैं और दुनिया में कोई 1% लोगों को ये बीमारी होती है और ख़ासतौर पर ख़वातीन को इस इलाके में, हमारे एशिया में ज़्यादा होती है। तो आपकी बच्ची बीमार थी, उसकी बीमारी की तशखीस नहीं हो सकी और इसीलिए एकदम से उसकी दिल की शरियाने बंद हुई और दिल का दौरा हो गया। देखा भाभी, अब बिलावजह मुझ पर शक करती थी कि मैंने उस पर सिफली करा के उसे मार दिया। अरे वो मेरी भी तो बेटी थी, मैं भी तो उससे बहुत प्यार करती थी ना। चले उनका भी इतना कसूर नहीं है, सदमा इतना गहरा था, उनको समझ नहीं आ रही थी, आप पे इल्जाम लगा दिया, लेकिन ये वहम और तोहम परस्ती तो आप में भी मौजूद है। मैंने तो तुझे घर से निकाल दिया था, तू फिर यहाँ कैसे? अम्मा वो मैं अपना सामान लेने आया था। सामान? कौन सा सामान? यहाँ कोई सामान वामान नहीं दे रहा, चल निकल यहाँ से। बस करो अम्मा, ये घर इन्हीं का है और ये मेरे शौहर हैं, ये कहीं नहीं जाने वाले। क्या हो गया है तुझे, क्यों इसकी हिमायत कर रही है? क्यों ना करो हिमायत? हाँ, जब मैंने अम्मा को पहला थप्पड़ मारा था तो मैं समझी थी कि मैं इस दुनिया की सबसे ताकतवर तरीन औरत हूँ और हर मुश्किल का सामना कर सकती हूँ। मगर जब मुश्किल मेरे सामने खड़ी हुई तो मेरी सारी कमजोरियाँ मुझ में आया हो गईं। और उस टाइम मुझे ख्याल आया कि अम्मात का जो सब्र और खुशी है ना, वही इसकी असल ताकत है। जरूर तुझे इसी ने पट्टी पढ़ाई है, क्यों पागलों वाली बातें कर रही है तू? नहीं पढ़ाई इसने पट्टी, पट्टी तो मुझे तुमने पढ़ाई है। जिंदगी भर मेरे कान भर भर के मुझे इनसे दूर रखा। अब्बा ने जो मजालिम तुम पर किए वही मजालिम का बदला तुम मेरे शौहर से निकाल रही हो। तू ठीक कह रही है बेटी, तेरे बाप ने मुझ पे बहुत जुल्म किए, बहुत ज्यादतियां की। शादी के पहले दिन से मेरे सरा सरा से गलती पे वो मुझे मुर्गा बना देते थे और धूप में खड़ा करते थे। मैं ये नहीं चाहती थी कि पहले जो जिंदगी गुजारी है वो तू भी गुजारे। इसीलिए बेटा मैंने तुझे तेरे शौहर के ऊपर हावी रखा, मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची। जुबैदा, कोई बात नहीं, बड़े पे बड़े होते हैं, इन्होंने अगर गुस्सा किया तो कोई बात नहीं, हम छोटों के इन्हें माफ कर देते। जी तेरा मेरी बच्ची, तू कितना आला सर, तूने मुझे माफ कर दिया। अब जिस पीर बाबा के पास आप जाती हैं, आपको उसकी असलियत मालूम है, किस कदर बड़ा ढोंगी है? अरे वो तो बहुत पहुंचे हुए बाबा हैं, आप उन्हें क्यों बीच में घसीट रही हैं? अरे क्या हो गया तुम्हें? आज ही सुबह उस जाली पीर को पुलिस के जरिए अरेस्ट करवाया है मैंने। क्या? अरे भाई वो जाली पे याद आया, मैंने सुबह ही चांदी चौक से वो जाली वाली टोपी ली थी, वो मैंने किसे दी थी? शायद तुम्हें दी थी, वो दो मुझे। अब्बा कमरे में जाइए, अम्मा वहां बैठी उनके पास से ले लीजिए जा। उनको दी थी तुमने? ठीक है ले लेता हूँ मैं। आपकी सास तो वफात नहीं पा चुकी? अरे जी जी, बस इनका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, हर वक्त महसूस करते हैं कि जैसे अम्मी इनके साथ ही हैं। ओहो, बहरहाल देखिए कितना हंसता बसता घराना था आपका, लेकिन आप लोगों ने जिस तोहम परस्ती और वहम के पीछे अपना बसा बसाया घर उजाड़ दिया, लोगों में तमाशा बना दिया अपनी इज्जत का, ये कुछ अच्छा तो नहीं था ना? शुमाइला, शुमाइला मुझे माफ कर दो मेरी बहन, मैंने अपने गम में तुम्हारी मोहब्बत को भुला दिया। भाभी मुझे भी माफ कर दें, मुझसे भी बहुत गलती हुई है, मैंने भी आपको नहीं समझा। भाई आप भी मुझे माफ कर दें। छोटा भाई तो बच्चों की तरह होता है। हाँ मेरे भाई, कोर्ट नंबर 5 में अगर आप भी कोई केस पेश करना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें
www.sexsession.tv।